Hello guys, myself Nikhil Bajia. I got AIR 2 in AIMS and AIR 3 in NEET. And I am currently studying in AIMS. देखो basically क्या होता है, first of all you have to listen invigilator carefully. मेनली क्या करते हैं, जब अपन ऑफलाइन एग्जाम के लिए अडप्टेड होते हैं तो अपन इन्वेजिलेटरी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्किप कर देते हैं, तो ध्यान से नहीं सुनते. बट ऑनलाइन एग्जाम है, आपके लिए एक नया पैटर्न है, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनने होते हैं. और मेनली जो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको स्पेशली फोकस करना है वो है, पहला क्वेश्चन है, पहला वो है कि रिव्यू और सेव वाला ऑप्शन. इसे ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप नए नए ऑनलाइन पैटर्न में आते हो. तो बेसिकली क्या होता है, जब तक आप क्वेश्चन को सेव नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन आंसर शीट में बुक नहीं होगा. तो अगर आपने जैसे ऑप्शन चूज कर लिया क्वेश्चन में बट आपने उसको रिव्यू भी किया है तो वो आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा आपका. तो आपको उस क्वेश्चन पे फिर से जाना होगा, आपको उस क्वेश्चन को सेव करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन जो OMR होगी उसमें रिकॉर्ड होगा. और बेसिकली आपके पेपर के राइट में एक मार्जिन होगा, उसमें आपको पूरे क्वेश्चन की डिटेल होगी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कि ये क्वेश्चन आप सेव कर चुके हो, ये क्वेश्चन आप रिव्यू के लिए रख चुके हो. तो आप ये इसको भी ध्यान रखें कि, और सेकेंडली सेकेंड बेसिक थिंग है कि सीरियल वाइज अटेम्प्शन नॉट इज नेसेसरी, कि आपने ऐसे नहीं है को ब्लाइंडली अटेम्प्ट करना है पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन. जैसे आप कंफर्टेबल हो बायो के साथ तो बायो के 40 क्वेश्चन पक्का सीरियल वाइज होंगे, ये श्योर है. तो आप बायो के क्वेश्चन ढूंढ के आप उसको भी वहाँ से शुरू कर सकते हो. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे आपके जो एग्जाम होगा उसके राइट लोअर कॉर्नर पे क्लॉक चल रही होगी. तो जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मेनली आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई न्यूमेरिकल है आपको, तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको टाइम लग रहा है, लेंथी न्यूमेरिकल है, आप बार बार क्लॉक को देख रहे हो, तो आप उस चीज़ को हैक्टिक हो जाओगे इस चीज़ को लेके कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है. तो आप मतलब थोड़ा सा ट्रबल सम हो जाओगे कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में. तो ऐसा ऐसा नहीं करना कि आप क्लॉक देखो, टाइम का आइडिया होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद ही क्लॉक देख रहे हो कि मुझे इसमें एक मिनट लग रही थी, इसमें एक मिनट ही लगनी चाहिए. कई क्वेश्चन दो मिनट के लिए भी होते हैं, कई क्वेश्चन आधे मिनट के लिए भी होता है. तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन के बाद क्लॉक देखो, पहला तो बेसिक थिंग थी. और दूसरी आपको ये करनी है कि स्किप करने की ट्राई मत करो, क्योंकि जैसे आपको जब आप ऑफलाइन पेपर दे रहे होते हो तो आपकी हैबिट होती है आप उसको अंडरलाइन करते हो, उसके सर्कल कर लेते हो मेन वैल्यूज को, और जब आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप वापस उस क्वेश्चन पे आते हो. बट आपको कम टाइम लगता है क्योंकि आपके पास मेन मेन रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो आपको पहले ही ऑब्जर्व की हुई होती हैं. बट इसमें क्या होगा, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे. तो अगर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया और आप वापस उस क्वेश्चन पे आते हो तो आपको फिर से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा इस चीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो रफ वर्क आपका क्लीन होना चाहिए. आप इन्वेजिलेटर से पहले ही पूछ लो कि मुझे क्या एक्स्ट्रा रफ शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ जगह मिलती है और कुछ जगह आपको जो एडमिट कार्ड होता है उसी के पीछे करनी होती है. तो उनसे पूछ लो. और फिर अगर आपको लिमिटेड रफ स्पेस है तो आप मार्जिन बनाओ, आप 3 मार्जिन डिवाइड करो और उस मार्जिन में मतलब बेसिकली सिस्टमेटिक वे से वर्क करो. क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन रिव्यू भी करनी है तो आपको दो बार कैलकुलेट, मतलब जैसे आपने लेंथी न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन थी, अब आपको आंसर करते टाइम डाउट आया कि यार ये क्वेश्चन मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है गलत है, तो आप उसको रफ वर्क से रिव्यू कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आप उसको दोबारा रिव्यू करने दोबारा कैलकुलेशन करोगे. तो एक तो ये है. सेकेंड थिंग है कि हर क्वेश्चन की इक्वल इंपॉर्टेंस है. फिजिक्स के मतलब एम्स कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो उसमें आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो आप उनको अटकना नहीं आप पे, मतलब उनको स्किप, उसको स्किप करने के लिए ही होते हैं वो. बिकॉज अगर आपने एक क्वेश्चन है, सपोज करो मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ रिलेटिव इक्वेशन लगानी है आइंस्टीन की, तो आप ऑब्वियसली आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगी, तो आपको इसलिए उसको स्किप करना है बेसिकली हर क्योंकि हर क्वेश्चन की इक्वल इंपॉर्टेंस है. बायो का अगर आप एक क्वेश्चन करते हो आप उतने ही मार्क्स मिलेगा आप फिजिक्स का करोगे. सो अगर क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया कि ये बाउंसर है तो आप उसको छोड़ना है आपको. थर्ड थिंग है कि रिव्यू का ऑप्शन यूज़ करने से डरो मत, मतलब मैक्सिमम उसका यूज़ करो. बिकॉज बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसमें ना सर्कल कर सकते हो ना अंडरलाइन कर सकते हो, तो आपको हर क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा. तो अगर आपको उस टाइम कोई ऑप्शन लग रहा है कि हाँ ये 90% मैं श्योर हूँ ये ऑप्शन हो सकता है, तो उसको रिव्यू करके आगे चले जाओ. क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर से आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा. और चौथा कि रफ वर्क को जैसे मतलब जैसे अपन ऑफलाइन पेपर करते हैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक 100% श्योर, एक 90% श्योर और एक 50-50 डाउट वाले. तो जो 50-50 डाउट वाले हैं तो आप उसको रफ वर्क में लिख लो. जैसे क्वेश्चन नंबर 46 में देखो ए और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं अभी लग रहा है, तो आप उसको रफ वर्क में लिख लो. आपके 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन जब क्योंकि फिर से मतलब बेसिक प्रॉब्लम यही है ना कि आप ऑफलाइन पेपर में ऑनलाइन पेपर डिफरेंस किया, आप अंडरलाइन और वो वाला आप पेन पेपर का यूज़ नहीं कर सकते, तो अब इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप उसका जो डिफरेंस है उसको आप ओवरलैप कर सकते हो.
लास्ट टू लास्ट ईयर एम्स ने सबसे पहले ऑनलाइन पैटर्न निकाला था, तो एम्स ने दो चीज़ें की थी। पहले जो चीज़ की थी उन्होंने किया था कि जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे मैच द मैट्रिक्स वाले में, उनमें ऑप्शन जंबल लगते थे, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ इधर 1 2 3 4 है तो उधर ABCD हो सकता है, या इधर ABCD उधर 1 2 3 4 हो सकता है, तो ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हर ऑप्शन को जितना ऑप्शन ध्यान से देखोगे ना, ऑप्शन की मार्किंग को ध्यान से देखो। दूसरा है AR में, क्योंकि AR में जो अपन बेसिक नोटेशन ये होते हैं कि फॉर A एंड R बोथ आर ट्रू एंड A इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि A सिग्निफाइज ऑल्सो D, जब अपन यूजली D यूज करते हैं कि A ऑल्सो कैन सिग्निफाई कि बोथ A एंड R ऑफ फॉल्स, सो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा बेसिक है कि सेव एंड रिव्यू वाला, क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों को लगा था कि अगर आपने रिव्यू में ऑप्शन सेलेक्ट करके रिव्यू के लिए भी छोड़ दिया तो अटेम्प्टेड होगा, बट ऐसा नहीं होगा। अगर आप तक उसको सेव नहीं करोगे तो अटेम्प्टेड नहीं होगा, तो आप पक्का ध्यान रखोगे आप उसको सेव करो। थैंक यू। देखो M4M's also send me this book for review. मैंने जब व्हेन आई गो थ्रू दिस बुक आई फाउंड दैट कि बेसिकली एक तो एक कॉम्पाइलेशन आपके एसोसिएशन रीजन जो ऑथेंटिक है, बिकॉज आप मार्केट में जाओगे आपको कई जगह ए और बी वाले जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा जीके में काफ़ी जीके बड़ा वाइड है, जीके आप ऐसे नहीं कि एक बुक से आप सब कुछ कर सकते हो, बट इसमें मेनली करंट इन्फॉर्मेशन भी दी है आपको, जो करंट अफेयर्स के बारे में है और जो बेसिक ऐसे कैपिटल्स है, अबाउट सम ओल्ड बुक्स, एंशियंट म्यूजियम्स, ऑल ज्योग्राफी वगैरह, उसके भी क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए एक पूरा कंपाइल मैटर है, क्योंकि जीके बहुत ब्रॉड है, आप एक बुक से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर तीसरा है कि एम्स के क्वेश्चन बाहर नहीं आते, तो एक एम्स का क्वेश्चन का एक ऑथेंटिक कलेक्शन है आपके पास, क्योंकि एम्स के क्वेश्चन कई बार आप देखोगे एम्स के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एम्स के क्वेश्चन का ऑथेंटिक कलेक्शन है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि जो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको स्किप कर सकते हो क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको NCERT को रेफर करना है, इस पर सोलली डिपेंड नहीं रहना है।